To promote youth sports and to rejuvenate and boost the sports culture in Kashmir Valley, Wooler Run 2020 was organized by Paribal Tekri, Rashtra Rifles Battalion of Whatlab Sector on Sunday. The event comprised of Wooler Run in two different categories. There was a 10-kilometer distance run for boys and a mini run was organized for the girl participants. The event commenced with the Wooler Run for boys, which was flagged off by the commander Whatlab Sector. The participants who achieved first, second and third positions in both the events were given cash prizes, and the first 20 participants in both events were given consolation prizes, whereas the participation certificates were given to all the participants. सपोर्ट्स का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, ये हर साल होता है यहाँ पे। अच्छे हैं क्योंकि लड़के बाहर हैं, तो मैं इनसे, मेरी गुजारिश है इनसे कि वो यहाँ पे आए, सपोर्ट्स में हिस्सा ले। सपोर्ट्स में बहुत ही अच्छे मज़ा आता है। साल से फर्स्ट आ रहे हैं? मैं 3 साल से फर्स्ट आ रहा हूँ। 3 साल से सपोर्ट्स का प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। मेरा नाम बिस्मा नूर है, मैं वाटापोरा में रहती हूँ। मैं रेस में आज फर्स्ट है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गेम में हर साल, मुझे जो भी गेम होता है मुझे उसमें फर्स्ट आना है। मुझे हर चीज़ में फर्स्ट आना होता है, जैसे खो खो, मुझे हर गेम में फर्स्ट आना होता है। जैसे कुछ भी गेम हो उसमें भी फर्स्ट आना होता है। मुझे हर गेम पसंद लगता है। मुझे गेम बहुत पसंद लगते हैं। उतने मुझे पढ़ाई नहीं पसंद लगती उतने जितने मुझे गेम पसंद लगते हैं। आज का जो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वूलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दरमियान, वूलर रन, ये एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को, बांदीपुरा के बच्चों को, कश्मीर के बच्चों को, अपने हुनर को दिखाने का। आपको मालूम है हर साल हम लोग वूलर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसमें के किश्ती रन भी होता है, लेकिन इस साल कोविड के चलते हम जून जुलाई में जो आमतौर पर करते हैं उसको नहीं कर पाए। अभी जब थोड़े हालात में इम्प्रूवमेंट हुई है तो हमने ये मौका लिया है कि इसमें हम एटलीस्ट वूलर रन कर सकें। तो आज बांदीपुरा के बच्चों ने हमारे इस अटेम्प्ट को बहुत सक्सेसफुल किया है, बड़े जोशो खरोश से पार्टिसिपेट किया है, और आगे आने वाले समय में भी हम इस तरह के इवेंट्स करते रहेंगे। आपको पता है अभी पिछले कुछ समय से जब कोविड ठीक हुआ है तो भारतीय फ़ौज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सभी ने स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया है। हमारा अभी भी नॉर्थ कश्मीर फुटबॉल प्रीमियर लीग भी चल रहा है, इससे पहले क्रिकेट लीग हुआ है, हमने जंगेर में भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया। तो हमारा यही कोशिश है कि हमारे यहाँ के यूथ को, हमारे यहाँ के बच्चों को, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनको एक मौका मिले ताकि वे अपने इस टैलेंट को आगे रख सकें, इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य क्रिएट कर सकें। कुल विंटर अभी तो कुछ समय तक तो मेरे ख्याल हम कंपटीशन कर सकते हैं, मौसम जब तक ठीक है। उसके बाद भी बच्चों के लिए हम इंडोर कॉम्पिटिशन्स या फिर उनकी पढ़ाई के लिए ट्यूशन क्लासेस वगैरह, ये सब भी कार्य करते रहेंगे। फौज की तरफ से, हमारी तरफ से यही मौका रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ाई के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम बच्चों को दिला सकें ताकि वह उन अपॉर्चुनिटीज से आगे बढ़ सकें। बिल्कुल कोशिश रहेगी, हम बहुत फ़ख्र है हमें उनके ऊपर, वो अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रख रहे हैं। अभी उनके उन्होंने उनसे बात हुई, अभी कोशिश करेंगे कि उनको कहीं आगे अगले नेक्स्ट पड़ाव पर ले जा सकें। ये हमारी इसमें पूरी कोशिश रहेगी बच्चों को आगे ले जाने की।